इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडरमेटा के रिप्रेजेंटेटिव स्टार फिश के अंदर सेंसरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे सेंसरी सिस्टम जो है दिस इज नॉर्मली इन्वाल्ड विद द सेंसेशंस। अब ये सेंसेशंस जो हैं दे आर द रिस्पॉन्डिंग आउटसाइडर फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली बॉडी जो है स्टार फिश की वो रिस्पोंड करेगी अब इस रिस्पोंड करने के लिए फ़ोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं फोटो रिसेप्टर्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट रिजन ऑफ द बॉडी ऑफ स्टार फिश अब ये जो रिसेप्टर्स होंगे जो के रेस्पॉन्ड करते हैं सेंसेशंस को दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी ऑफ द दफिश एज वेल एज दे आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू द टाइनी स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज ट्यूब फीट अब स्टार फिश जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर लाइट भी हो सकती है केमिकल्स भी हो सकते हैं वेरियस मकैनिकल स्टीमूलाई भी हो सकते हैं जो कि स्टार फिश की बॉडी पे एक्ट करेंगे व्हेन दे आर लिविंग इन दी मेरीन एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो है स्टार फिश के अंदर देयर आर आल्सो सम स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर और ये फोटो रिसेप्टर जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ देयर आर्म्स दे आर एक्चुअली ट्यूब फिट दैट लैक सेक्शन कप्स बट हैव आ बिग पिगमेंट स्पॉट सराउंडिंग आ ग्रुप ऑफ अलाई अब जो रिंग नर्वस हैं रेडियल नर्वस हैं दे आर ऑल्सो हैविंग सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट्स एंड कोर्डिनेट द स्टार फिश बैलेंस एंड डायरेक्शनल मूवमेंट अब जो सेंसरी कंपोनेंट है इसका दिस रिसीव इनपुट फ्राम द सेंसरी ऑर्गन्स जबकि मोटर नर्वस जो हैं दे कंट्रोल द ट्यूब फीट एंड द मस्कुलेचर द स्टार फिश जो है दिस नॉर्मली डज नाट हैव दपेसिटी टू प्लान इट्स एक्शन because there is poor coordination of nervous system and sensory system. Here we can see that how different kinds of sensory functions they are present in starfish starfish ke andar kisam ke receptors jo hain they are usually located and they respond according to different kind of stimuli that are present outside the environment they can respond to the light they can respond to different kinds of mechanical factors that are present outside the body they can also respond according to different types of animals when the animal is in danger तो उसके अकॉर्डिंगली भी इसके सेंसरी फंक्शन रिस्पॉन्ड करते हैं दे नॉर्मली स्क्वीज समटाइम्स दे स्क्वीज देयर बॉडी दे चेंज देयर डायरेक्शन और इफ़ देर इज एनी केमिकल प्रेजेंट है इन टू दरा सराउंडिंग एनवायरमेंट इन विच स्टार फिश इज लिविंग तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये जो ट्यूब फीट है जो कि टिप्स पे प्रेजेंट है दे यूजली बिहेव लाइक सेंसरी ऑर्गन्स और एनिमल्स जो है वहाँ से अपने आर्म्स को डायवर्ट कर लेगी एंड देन दे मूव इन दोजिट डायरेक्शन सो देर सेंसरी फंक्शंस स्टार फिश के अंदर जैसे कि पहले भी हमने कहा कि नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शन इवन दो दे आर नाट मच डिवेलप्ड बट द एनिमल इट शोज सेंसेशन टू वर्ड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट इन दिनवायरमेंट